नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि उम्मीद है आप लोगों को पता होगा कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो दूसरा टेस्ट मैच जो कि आपका जो पुणे में स्टार्ट हो चुका है, और उसकी बात करें तो आज उसका जो है पहला दिन था, और दिन के ख़त्म होने तक जो है टीम इंडिया ने अपने पहले इनिंग में जो है 16 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। अगर हम क्रीज पर बात करें तो क्रीज पर जो है आपके शुभमन गिल और जो है जयसवाल जो है आपके क्रीज पर टिके हुए हैं। और अगर हम बात करें मतलब न्यूजीलैंड की टीम ने जो पहले इनिंग में मतलब बैटिंग करा, और बैटिंग करके जो है उन्होंने मात्र जो है 259 रन बनाए, जिसमें जो है उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अगर हम बात करें टॉस की तो टॉस में जो है आपका न्यूजीलैंड ने जीता, और जैसा कि न्यूजीलैंड को पता था कि टीम इंडिया जो है सीरीज़ में 1-0 से पीछे है, तो उनको पता था कि टर्निंग ट्रैक वगैरह मिलेंगे, तो उन्होंने जो है उसके हिसाब से चेंजेस करी। उनकी बात करें तो उन्होंने जो है अपने प्लेइंग 11 में मैट हेनरी को आउट किया, जिन्होंने लास्ट मैच में फाइफर लिया था, और उन्होंने जो है मिचेल सेंटनर को इन किया। अगर टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने भी जो है अपने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए। उन्होंने जो कुलदीप यादव की जगह जो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया, केएल राहुल की जगह जो है अब बोल सकते हैं शुभमन गिल को खिलाया, और जो है मोहम्मद सिराज की जगह जो है आकाशदीप को खिलाया। और केएल राहुल की बात करें तो उनका जो बैड फॉर्म बोले या मतलब जो पहले मैच में वो रन्स वगैरह नहीं बना पाए, जिसकी वजह से जो उनको टीम से ड्रॉप किया गया, मतलब बोल सकते हैं आराम दिया गया या ड्रॉप किया गया, और उनकी जगह जो सरफराज खान जिन्होंने बेहतरीन 150 रन्स मारे थे उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, तो उनको जगह मिला, उनको प्रेफर किया गया उनकी जगह। और अगर हम शुरुआत की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम ने जो ठीक ठाक ही शुरुआत कर दी थी। उन्होंने जो है अपना पहला विकेट जो है 32 रन्स पे खोया, जिन्होंने उनका विकेट जो है टॉम लैथम का जो है आपके रविचंद्रन अश्विन ने जो है बेहतरीन बॉलिंग पे जो है LBW आउट कराया। फिर उसके बाद बात करें विलियंग और जो है विलियंग खेल रहे थे, और विलियंग की बात करें तो विलियंग जो है आपके जो है वो भी जो है अश्विन की बॉल पे जो है मतलब वो भी कैच दिया उन्होंने जो है ऋषभ पंत ने बेहतरीन कैच पकड़ा, और उस डिसीजन को आउट में लेने में जो है मतलब DRS ने बहुत बखूबी साथ दिया। DRS लिया और हल्का सा मतलब बिल्कुल जो है छू सा रहा था, और उसको जो है बैट को छू रहा था, और उन्होंने जो है उसको अपील किया और वो आउट लिया। फिर उसके बाद बात करें डेविन कॉन पे, जो कि लास्ट मैच के भी जो उन्होंने 50 मारा था, और आज के मैच में भी जो उन्होंने आज के दिन में भी जो 50 मारा। रचिन रविंद्रा की बात करें तो इन दोनों ने बेहतरीन दोनों कोशिश कर रहे थे, जब तक दोनों खेल रहे थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टीम जो है 259 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। रचिन रविंद्रा ने भी जो है बेहतरीन नॉक खेला, उन्होंने भी जो है 50 मतलब अपने जो लास्ट मैच की बात करें तो उनमें उन्होंने शतक मारा था, और इस मैच में जो है उन्होंने जो है आज भी जो है बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने जो है मतलब कुछ 65 या कुछ ऐसे रन बनाए। तो रचिन रविंद्रा की बात करें तो रचिन रविंद्रा ने जो मतलब अपना जो बेहतरीन फॉर्म था उसको जो है कंटिन्यू किया। और उसके बाद बात करें तो डेविन कॉनवे के, तो डेविन कॉनवे ने भी जो है 76 रन की बेहतरीन नॉक खेली। फिर उसके बाद जैसे ही जो है कॉनवे को मतलब अश्विन का शिकार बने डेविन कॉनवे, फिर उसके बाद तो जो है मतलब स्टार्टिंग के 3 विकेट जो है आपके रविचंद्रन अश्विन ने लिए, और लास्ट के जो 7 विकेट है वो आपके जो है वॉशिंगटन सुंदर ने लिए। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग कराई, तो उनके अगर आप देखेंगे मतलब उन्होंने जो आज शिकार किया, उन्होंने जो रचिन रविंद्रा को आउट किया, फिर उसके बाद टॉम ब्लंडल को आउट करवाया, फिर डैरिल मिचेल को आउट किया, और ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, उन्होंने जो टिम साउदी को बोल्ड किया, एजाज पटेल को बोल्ड किया, और मिचेल सेंटनर को बोल्ड किया। इसी के साथ जो उन्होंने 7 विकेट लिए, और इसी के साथ जो है टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने जो अपने करियर का बेस्ट जो दे दिया है, जिसकी वजह से जो हमने जो है 259 पे पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया है। और अगर हम ऐसा ही खेले या इससे थोड़ा बेहतर भी खेले तो इस मैच को जो है बड़े ही ईजिली जीत जाएंगे। और अगर हम बात करें मतलब एट द एंड मतलब जब टीम इंडिया को खेलना पड़ा तो 11 ओवर्स का सामना करना था टीम इंडिया को, बट टीम इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा का जो मतलब बैड फॉर्म बोल सकते हैं या उनका जो बैड फ्रेश है वो कंटिन्यू रहा। उन्होंने जो है मतलब 0 रन बनाए, वो टीम साउदी की बॉल पर जो है मतलब आउट स्विंग बॉल पे जो है बोल्ड हो गए। और उसके बाद जो है शुभमन गिल और जो है SSV जयसवाल ने जो किसी तरीके से खेल के जो है 11 ओवर मतलब कंप्लीट करे। अगर शुभमन गिल की बात करें तो वो 10 रन बना के क्रीज पे खेल रहे हैं अभी 32 बॉलों पे, और SSV जयसवाल भी जो है 6 रन बना के क्रीज पे खेल रहे हैं। और इस मैच की बात करें तो ये मैच जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है टीम इंडिया के लिए। अगर इस मैच पे बेहतरीन नहीं करते हैं तो जो है सीरीज़ जो है हम हारने के कगार पे जा सकते हैं, या सीरीज़ को जो है अगर इस मैच में रिजल्ट नहीं निकलता है तो नेक्स्ट मैच जो है वो मतलब सिर्फ इस सीरीज़ को हम ड्रॉ कराए पड़ेंगे। बट जो है उम्मीद है पूरे ही कि जो है विराट कोहली अभी आपके सरफराज खान मतलब रविंद्र जडेजा है आपके जो है
मतलब बेहतरीन बेहतरीन प्लेयर बाकी है, ऋषभ पंत है, तो सारे ही प्लेयर जो है बेहतरीन खेल खेलेंगे। और जो कल का दिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कल के दिन की बात करें तो अभी जो है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत आपके जो है मतलब बेहतरीन प्लेयर्स बाकी हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो है हम इस रन को, जो ये लीड है 243 रन की, इसको पहले जो है बराबर करेंगे, उसके बाद जो है हम मतलब ट्रेल जो है मतलब जिस रन से हम पीछे चले 243 रन से पीछे और इस मतलब रन को बराबर करेंगे, उसके बाद जो है जो हमारे लीड लेने की कोशिश करेंगे 150-200 रन की, फिर उसके बाद जो है इस मैच को जीतने की कोशिश करेंगे। तीसरे इनिंग में जो है देखेंगे न्यूजीलैंड की टीम जो है मतलब कैसा खेलती है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, जो बेहतरीन दो पारियां आज खेली गई उसमें जो है डेविन कोनवे ने बेहतरीन 76 रन बनाए और रचिन रविंद्र लास्ट मैच के सेंचुरी और उन्होंने भी जो है 65 रन मारे। तो ये दो प्लेयर जो है आपको मतलब आगे भी जो एक मैच बचा हुआ है, अभी भी जो है तीन इनिंग्स बचे हैं पूरी सीरीज की बात करें, तो इन दोनों प्लेयर से जो है बच के रहने की बात है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो कैप्टन है उनकी फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, बट उम्मीद है अगर उनकी बैटिंग आती है सेकंड इनिंग्स में तो वो उसका जवाब देंगे। और विराट कोहली भी जो है बहुत दिनों से जो है ईगर है मतलब वो 100 लगाने के लिए, तो उम्मीद है अगर उनकी भी बैटिंग कल उनकी बैटिंग आनी ही चाहिए, बट जो है देखने वाली बात है उसका ये कैसे फ़ायदा उठाते हैं। और उम्मीद है इस मैच को जो है टीम इंडिया इजीली जीत जाएगी।